पहले टेस्ट में रोहित की कप्तानी से खुश नहीं है रवि शास्त्री। डीन एलगर ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरुआती टेस्ट मैच के दूसरे दिन 14वां टेस्ट शतक लगाकर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को चौंका दिया। सेंचुरियन में भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी की चुनौतियों का जितना सामना करना पड़ा वह उतना ही कम था और अपनी पहली पारी में टीम केवल 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एक समय तो शायद इस स्कोर पर भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन केएल राहुल की कमबैक सेंचुरी ने टीम को नाजुक स्थिति से उबारते हुए इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। मौजूदा मैच में अगर भारत को इस मैच को जीतना है तो दक्षिण अफ्रीका की पारी को जल्द से जल्द रोकना होगा। इस वक्त दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं। डीन एलगर ने शानदार शतक लगाते हुए नवाद 140 रन की पारी खेल दी है और वो तीसरे दिन भी बल्लेबाजी के लिए उतरने वाले हैं। उनका साथ दे रहे हैं मार्को जैनसन जो 3 रन बनाकर स्टंप क्रीज पर जमे हुए हैं। तेंबा व उमा चोट के कारण इस टाइम मैच से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है अगर ठीक होते हैं तो तीसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। फिर भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा की रक्षात्मक कप्तानी पर असंतोषजनक व्यक्त किया है। रवि शास्त्री के अनुसार लंच के बाद रोहित को अपनी बेस्ट गेंदबाजों को गेंदबाजी सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गेंद शार्दुल और प्रशित कृष्णा को सौंप दी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आराम से बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज डीन एलगर ने अपनी टीम को शुरुआती झटकों से उभार लिया। एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने लगभग 6 रन प्रति ओवर दिए, जबकि शार्दुल ठाकुर पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। आखिरकार जाकर रोहित शर्मा को उन्हें गेंदबाजी से हटाना ही पड़ा। कमेंट्री के दौरान रवि शास्त्री ने कहा, किसी भी बॉलिंग ऑर्डर में लंच के बाद शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरे और चौथी गेंदबाजी विकल्प का ही प्रयोग करना चाहिए था। जब मैं कोच था तब हमने इस पर कई बार चर्चा की थी और मैं अक्सर इस बारे में बात करता था कि अपने सर्वश्रेष्ठ दो गेंदबाजों को ही गेंदबाजी सौंपनी चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन यादगार बन गया क्योंकि केएल राहुल ने शानदार शतक ठोककर टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। गेराल्ड कोजदी की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। राहुल की पारी में 14 चौके और 4 छक्कों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। साल की शुरुआत में खराब फॉर्म के कारण भारतीय टेस्ट टीम से बाहर होने का सामना कर रहे राहुल की वापसी शानदार रही। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार रन बनाए हैं। IPL 2023 में चोट के कारण 3 से 4 महीने के लंबे अंतराल तक बाहर रहने के बाद राहुल ने 2023 एशिया कप में शानदार वापसी की, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार शतक लगाया। उनका असाधारण प्रदर्शन 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी जारी रहा, जहां उन्होंने अपने विकेट कीपिंग कौशल से सभी का दिल जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में उनकी मैच जिताने वाली पारी सभी को याद है। अब आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा ने दूसरे दिन कुछ गलतियाँ की? पहले टेस्ट के तीसरे दिन रोहित शर्मा मैदान पर उतरेंगे तो क्या गलतियाँ वो नहीं करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।